अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आज मैं एक अनोखी चीज़ बनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी कोशिश करना। ये मैंने 1.5 गिलास मिल्क का लिया है, एक पूरा गिलास और एक आधा। डेढ़ गिलास दूध का लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी। सॉरी, ये शुगर डाली है मैंने 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मीठा होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसमें वनीला एसेंस, जो आप ग्रीन इलायची भी डाल सकते हैं, आप दालचीनी पाउडर का भी थोड़ा सा डाल, कोई सा फ्लेवर जो आपको पसंद हो ना आप डालें। मैंने इसमें वनीला का डाला है। और ये है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में गुला हुआ। अभी दूध को उबाल आ गया है, उबलते देख लो मैंने इसमें डाला है। उसके साथ साथ चमचा चलाते जाएं कि नीचे से ये लगे नहीं। आप ग्लो करना चाहें तो थोड़ा सा फ्रिज में डाल सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे ही रखना है वाइट कलर का। ये थोड़ा थोड़ा ना गर्मा होना शुरू हो गया, ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। मोज़रेला चीज़ मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें। आप चैदू चीज़ भी डाल सकते हैं, पर चैदू चीज़ जो है वो ऑयली ज़्यादा होती है। तो उसको उठाकर मैंने एक तरफ साइड पे रख दी है। अब इधर बटर डालें या घी डालें, आप जो भी आपको मुनासिब लगे। मैंने ये थोड़ा सा घी लिया है, और ये छोटी वाली छेनियाँ हैं मेरे पास, इनको आप छोटा छोटा करके फ्राई करना है। ऑलरेडी माशाल्लाह उनका कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। अब थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो चुकी है, थोड़ा सा इनमें फूड कलर में डालना है इसको येलो कलर देने के लिए। ये जो चावनी में डालने वाला फूड कलर होता है नहीं वाला, मैंने ले लिए है। इसमें ये सेवियाँ तय लगाऊंगी नीचे। ना ही तो कनाफे है और ना ही ये नुआबी सेवियाँ,
उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इसको सिर्फ स्वीट डेजर्ट बोल सकते हैं। ये मैंने सिरप लिया है, शुगर सिरप, तो आप चीनी का भी बना सकते हैं। पानी में चीनी डाल के तो थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दें। मैं वो थोड़ा जल्दी में थी ना, तो मैंने ये जो शुगर सिरप है वही ले लिया है। इसमें थोड़ा लेमन भी ऐड कर लें। अब ये जो मिल्क का बनाया था चीज़ भी डाली थी उसमें, इसकी उस पर तेल लगा देते हैं। ये मसाला काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी थिक है ये चीज़ की वजह से वो स्टिकी लग रहा है। उन सेवियों को अच्छे से कवर कर लेना है। इतना मसाला ये ठंडा हो जाएगा ना, तो उससे ये सही सेट हो जाएगा। अभी ये गर्म बहुत है। अब ये इसमें डबल मैंने लेयर भी लगा दिया है। फिर इसके ऊपर ये लेमन और थोड़ा सा आपने वो लेना है ये सिरप भी। तो शुगर थोड़ी कम, ये आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। माशाल्लाह ये इतनी मज़े की बनी है ना, क्रिस्पी भी और टेस्टी भी और फ्लेवरिंग भी। ओवन करना है 15-20 मिनट के लिए। अभी मैं इसको गर्म गर्म ही काट रही हूँ, अगर ये ठंडा हो जाए ना तो वो और नीट और क्लीन उसकी कटाई हो सकती है। बादाम मैंने छोटे छोटे कट किए हैं और थोड़े थोड़े वो लगाऊंगी। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा भी नट, कोई भी नट मिक्स भी लगा सकते हैं, सेपरेट नट भी लगा सकते हैं। मैंने बादामों को मोटा मोटा कूट के ना लंगड़ी में बैग में डाल दिए थे। या मेवा भी एक एक दो दो ऊपर लगा दे। बड़े खूबसूरत लग रही।